जो ट्रंप रिपब्लिकन को चंदा देता था, वही ट्रंप बोला कि भाई तुम राष्ट्रपति क्यों बनोगे, हम राष्ट्रपति बनेंगे। जब हमारे ही चंदे से तुम डेमोक्रेसी चलाओगे तो हम डेमोक्रेसी के हेड होंगे। और कल को हो सकता है देश के सबसे बड़े उद्योगपति अंबानी जी, देखिए आप अपनी पत्नी का अगर कोई गिफ्ट देना चाहते हैं बर्थडे पे तो आप पर्स देंगे, वो हवाई जहाज देते हैं। आप अगर अपने बच्चे को कुछ देना चाहेंगे तो आप बैट बॉल खरीद करके देंगे, वो क्रिकेट टीम खरीद करके देंगे। कल को हो सकता है, अभी बोला कि इनका स्टार्टअप कराना है तो बेटे के लिए जियो बना दिया, जियो इंडिया। जियो इंडिया नहीं, अंबानी जी का पोता जियो इंडिया कर रहा है, ठीक है। कल को ये कह देंगे कि भाई मोदी जी को बहुत चंदा दे दिया, आजकल उनके पीठ पे हाथ रखना छोड़ करके अपने बेटे के पीठ पे हाथ रखेंगे, वही इस देश का प्रधानमंत्री होगा। ये खतरनाक है, ये खतरनाक है। कैंपस के लिए ये मुद्दा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और परिवारवाद, वंशवाद, जातवाद, ये जो सवाल है, इस सवाल को आज का यूथ जनरेशन बहुत सीरियसली ले रहा है। और इसका एक सिंपल एग्जाम्पल है, आप ये देख लीजिए कि मोदी जी, मैंने ऐसा तो नहीं है कि उनके 10 हाथ हैं, वो कौन सी ऐसी बात थी जिसने फर्स्ट टाइम वोटर को अट्रैक्ट किया? वो बात ये थी कि एक नॉर्मल कार्यकर्ता होने के बावजूद वो आदमी पार्टी के टॉप पोजीशन पे पहुंचा, ये एक पॉजिटिव बात है। इसके अलावा एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया है। किसी भी मुसलमान से ही पूछा जाएगा कि तुम आतंकवादी हो कि नहीं हो, भले ध्रुव सक्सेना जो है वो ISI की जासूसी करने में पकड़ा जाता हो, लेकिन ये सवाल उसे नहीं पूछा जाएगा। तो उसके लिए जरूरी था कि मोदी जी भाषण में बोले विकास की बात, जब जब गुजरात मॉडल की बात हो तो नॉर्मल लोगों को लगे कि विकास की बात हो रही है। दरअसल गुजरात मॉडल ये था कि माइनॉरिटीज को घेर करके उनके घेटोज में मार दो और पूरे देश को ये एग्जाम्पल दो कि इसी तरीके से तुम मारे जाओगे अगर भाजपा का विरोध करोगे। तो ये जो डर का माहौल है, इस डर के माहौल को कैप्चर करके मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाते। और जितने भी वादे हैं, जितने भी इशूज हैं, उस पर अगर इस कैंपस में कोई डिबेट खड़ा करना चाहता है तो इमीडिएटली कह दिया जाता है कि ये देशद्रोही है। अगर आप